जय श्री कृष्णा। एलजे टैलेंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गणपति के लिए मोदक। यह मोदक बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। इसे बनाने के लिए कुल 5 मिनट लगता है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से आप वाइट कलर के भी बना सकते हैं या कलरफुल भी बना सकते हैं। और इसमें हमें न मावा की ज़रूरत न चाशनी की ज़रूरत, और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कच्चा नारियल लिया है, जो पानी वाला नारियल आता है वो नारियल है। इसकी गिरी निकाल ली है इस तरह से। अभी हम इसका जो ये ब्लैक पार्ट्स है इसके छिलके निकालेंगे। इसको इस तरह से चाकू की मदद से इस तरह से इसको छीलेंगे। इस तरह से पूरे सभी नारियल को इसी तरह से छीलेंगे। ये मैंने सभी छील लिए हैं और इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अभी हम मिक्सी जार लेंगे और इसमें इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमारा पीस के रेडी हो गए हैं। देखिए इस तरह से एकदम बारीक चाहिए। अभी इसको एक बाउल में निकालेंगे। अभी गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। और ये नारियल जो हमने पीसा था वो इसमें डालेंगे। गैस को स्लो रखेंगे और नारियल को घी में अच्छे से भुनेंगे। इसे स्लो गैस पे ही भुने। अभी मैंने 1 मिनट तक नारियल को स्लो गैस पे भुना है। ये थोड़ा ड्राई हो गए हैं। अभी इसमें आधा कटोरी पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको चलाते हुए भुनेंगे। चीनी डालने के बाद में एक बार नारियल पतला हो जाएगा और इसका पानी सुखाने तक इसको भुनेंगे। लेकिन ये प्रोसेस स्लो गैस पे ही करें। चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए नारियल गीला होने लगा। अभी चीनी का पानी सोखने तक इसको 1-2 मिनट के लिए स्लो गैस पे ऐसे ही भुनेंगे चलाते हुए। मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अभी देखिए इसे पैन ने भी छोड़ दिया है और यह एक जगह इकट्ठा होने लगा है। चीनी हमारी अच्छे से सूख गई है। अभी इसमें मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे मावा फ्लेवर आएगा। और स्लो गैस पे इसको मिक्स करेंगे। और इसी के साथ ये कुछ बादाम डाल रही हूँ। आप जो चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। स्लो गैस में एकदम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर इस तरह से मिक्स करते जाए। और जब ये एक डो जैसा हो जाए तो इस गैस को बंद करेंगे। देखिए ये अच्छे से एकदम डो जैसा हो गया, एक जगह इकट्ठा होने लगा है। अभी गैस को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये हमारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी इसमें से हम
थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे। और ये मैंने येलो कलर लिया है, ये फूड कलर है। इसमें सिर्फ एक बूंद दूध की डालेंगे, दूध ज़्यादा मत डालें, सिर्फ एक बूंद। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आप वो भी ले सकते हो। अभी इसमें इसको मिक्स करेंगे। ये मेरे दोनों कलर रेडी हो गए हैं, वाइट लिए है, येलो लिए है। आप एक कलर का भी बना सकते हैं या इसके येलो की वजह है दूसरा कोई भी कलर ले सकते हैं। अभी हम एक ऐसे मोल्ड लेंगे मोदक का और इसको घी से ग्रीस करेंगे। और ये कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ लिए हैं, ये इस मोदक के बीच में लगाएंगे, इससे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आप चाहो तो लगा सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। एक पंखुड़ी लेंगे और इसका एक छोटा सा पीस लेंगे। इस तरह से मोदक के एक साइड में लगाएंगे और इसको बंद करेंगे। अभी येलो वाला थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से अंगुली की सहायता से अच्छे से दबाएंगे। अभी वाइट वाला लेंगे ये अच्छे से दबाएंगे और ऊपर से प्लेन करेंगे। और अभी मोल्ड को ओपन करेंगे। देखिए हमारा मोदक कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है। इसी तरह से दूसरा मोदक तैयार करेंगे। एक गुलाब की पंखुड़ी लेंगे और इसको बंद करेंगे। थोड़ा सा येलो वाला डालेंगे और इस तरह से अंगुली की सहायता से दबाएंगे। अभी वाइट वाला डालेंगे। इस तरह से दबाते हुए इसको पूरा भरे और नीचे से एकदम प्लेन करेंगे। अभी इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा मोदक कितना प्यारा लग रहा है ना। इसी तरह से सारे मोदक रेडी करेंगे। लीजिए हमारे सभी मोदक बन के रेडी हो गए हैं। मैंने कुछ वाइट कलर के भी मोदक बनाए हैं। अगर आप कलर नहीं डालना चाहे तो इस तरह से वाइट भी बना सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और आप इस तरह से कलरफुल भी बना सकते हैं, आप जैसे चाहे उसे बना सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और इसे बनाने के लिए मुझे कुल 4 से 5 मिनट लगा है। इस बार आप भी गणपति के लिए अपने हाथों से इस तरह से मोदक बनाए और मुझे बताएं कि कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।